हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज आगे पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग पॉइंट चैप्टर कंप्लीट किए हो, काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, बाकी सारा चीज़ को काफ़ी डिटेल डिस्कस किए थे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लोकस, जो कि हम लोग कंप्लीट किए हैं लास्ट के लेक्चर्स में। और अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं से स्टार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन से। अभी तक जो हम पढ़े हैं वो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सपोर्ट करेगा। हालांकि क्वेश्चन वहाँ से भी आता है, लेकिन उसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। इसलिए आगे हम लोग अच्छा से काम करते हैं स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो सभी चीज का जो डेफिनेशन है वो लोकस से ही स्टार्ट होता है। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स स्लोप इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मतलब कॉन्स्टेंट स्लोप के साथ यदि पॉइंट मूव करेगा तो वही स्ट्रेट लाइन बनाता है। स्लोप मतलब क्या होता है? एंगल, टेन थीटा। ये लोकस तुम्हारा, ठीक है, इसी का नाम है स्ट्रेट लाइन। स्लोप कांस्टेंट मतलब ये एंगल कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। स्लोप मतलब एम डिनोट करते हैं और ये टेन थीटा होता है। अब देखो ना, कहीं भी तुम ट्रायंगल निकालोगे, अगर मान लो पर्टिकुलर ये पी एच के है, तो ये तुम्हारा इतना बाय इतना, टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। अगर यहाँ जाएगा तभी ये पी बाय बी रेशियो वही रहेगा, है ना, सब सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, स्लोप मतलब होता है डीवाई बाई डीएस। किसी भी कर्व का स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तुम लोग पढ़ा होगा फिजिक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसी को कहते हैं डीवाई बाई डीएक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये कॉन्स्टेंट है, इसको एम मान लिया गया है, ठीक है। तो अब देखो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम इंटू डी एक्स, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y, और m तो कॉन्स्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, और यही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम बात कर रहे थे फिजिक्स का, कि फिजिक्स में लोग पढ़ते होंगे डीवी बाय डीटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने का रेट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। डीएस बाय डीटी क्या होता है, भी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो रेट चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। उसी प्रकार वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा, है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है डीवाई बाई डी एक्स, और ये कॉन्स्टेंट है। किसी भी कर्व का डीवाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो खुद स्ट्रेट लाइन है, तो खुद अपना टेंजेंट है। अगर कोई कर्व होता, मान लो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, तो उस पर टेंजेंट जो खींचेंगे ना, उसी का स्लोप होता है डीवाई बाई डी एक्स, उस कर्व का डिफ्रेंशिएशन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। और तुम लोग अक्सर फिजिक्स में अभी तक यूज किया होगे, बट मैथ में हम लोग कैलकुलस में काफ़ी डिटेल पढ़ने वाले हैं सब चीज़ को। तो इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अब हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह सब। मतलब जो इक्वेशन आता है ना प्रॉपर, ये डेफिनेशन से ऐसे बनता है, बाकी अलग अलग टाइप ऑफ इक्वेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। चलते हैं आगे।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म. फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये जो हम लोग डेफिनेशन से लाए हैं इसी को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट. एम एक्स प्लस सी वेयर एम मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन मतलब टेन थीटा हो गया और सी मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट. ऑफ द लाइन ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये एंगल है थीटा और ये मान लो a पे कट किया, ये लेंथ c है. y एक्सिस को जितना डिस्टेंस पे कट करता है ना वो लेंथ c होता है y इंटरसेप्ट. और जो थीटा होता है वो हमेशा एंगल फॉर्म बाय द लाइन विथ x एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इधर से एंगल नहीं काउंट करेंगे, हमेशा इधर से एंगल काउंट करेंगे. ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो चीज का होना जरूरी है, दो कंडीशन चाहिए तभी लाइन बना सकते हैं. यहां पर वो दो कंडीशन कौन सा है, एम और सी. एम मीन्स थीटा, टेन थीटा रहेगा तभी ना एम होगा. यहां पर देखो टेन थीटा लिखे, थीटा चेंज होगा तो एम भी चेंज होगा. और सी मीन्स वाई इंटरसेप्ट. इन दोनों में से कोई एक चीज अगर खत्म कर दे तो लाइन फिक्स नहीं हो पाएगा स्पेस पर, प्लेन पर. ठीक है, बताते हैं कैसे फिक्स नहीं हो पाएगा, तो डिस्कस करते हैं. देखो जैसे कि मान लो ये हम रफ कर रहे हैं, मान लो कि सी को फ्री कर दें, सिर्फ थीटा फिक्स रखें और सी को फिक्स नहीं रखें. ये थीटा है, अगर इसका पैरेलल ये लाइन जाएगा तो ये भी देखो एंगल थीटा ही है, सेम एंगल है, बट यहाँ सी बदल गया. देखो इसका भी एंगल थीटा ही है बट सी इसका छोटा हो गया. इसका भी एंगल देखो थीटा ही है बट इसका सी क्या है, निगेटिव है. तो एक फिक्स स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा यदि हम सी को मतलब वेरी करवा दे. तो अगर c का वैल्यू वैरी करवा दे मतलब फिक्स नहीं रखे, सिर्फ थीटा फिक्स रखें, तो बहुत सारा पैरेलल लाइन का ग्रुप देगा. ठीक है, अलग अलग. और अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम c को फिक्स रखते हैं और थीटा को वैरी करवाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा. देखो जैसे यहां से पास कर रहा है, अब इसका एंगल थीटा है, यही है c वही है लेकिन थीटा इसका बदल गया. इसका थीटा वन मान लो, सी वही है लेकिन ये एंगल बदल गया, इसको थीटा टू मान लो, थीटा बदल गया. समझ गया ना, तो मतलब उसी पॉइंट से पास करने वाला इनफाइनाइट लाइन होगा, सबका एंगल अलग अलग हो रहा है. यानी एंगल अलग अलग होना मतलब स्लोप अलग अलग होना. समझ रहा है, अब ये दोनों अगर फिक्स होगा, मान लो कि एक फिक्स्ड एंगल है वो भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, एक यूनिक लाइन प्लेन पर बना पाएंगे तब हम. ठीक है, यानी कि एम और सी दोनों का ही इस लाइन के इक्वेशन में रोल है, दोनों में से कोई एक चीज खत्म होगा तो लाइन नहीं बना पाएंगे हम. ठीक है, तो इस पर कुछ नोट्स बता रहे हैं. पहले कुछ इक्वेशन लिखो यार. इफ फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और सी इज इक्वल टू 5, एम इज इक्वल टू माइनस 2, सी इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और सी इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। तो कैसे बनाएंगे, एम दे दिया मतलब टेन थीटा दे दिया, यहां से टेन थीटा निकालना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन में एम इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, मतलब कितना दे रहा है रूट 3, और सी तो पहले ही से मालूम है 5। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू रूट 3 एक्स प्लस 5। फिगर बनाना चाहो तो बना लो, एक्स 0 पर वाई 5 मिल रहा है और वाई 0 करेंगे तो माइनस 5/3 मिल रहा है। यही एंगल है 60 डिग्री और ये लेंथ 5 है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एम इजकल टू माइनस 2 और सी इजकल टू 3, इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, वाई इजकल टू माइनस 2x+3, ये आंसर होगा। इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहोगे तो देखो कैसे होगा, एक्स 0 पर वाई मिल रहा है 3, वाई 0 पर एक्स मिल रहा है 3/2, इसका आधा, और यही एंगल है यहाँ पर 10 थीटा है माइनस 2, तो थीटा हो जाएगा चीज 10 इनवर्स माइनस 2। ऑब्टूज एंगल ऐसे भी नेगेटिव होता है 10 थीटा। थर्ड क्वेश्चन देखो, एम इजकल टू टेन थीटा इजकल टू 10 45 डिग्री 1 और सी 0 है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है, इन वाई इजकल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0, मतलब वाई इजकल टू एक्स हो गया। देखो कैसे होगा, एकदम 45 डिग्री मतलब 90 है ना, पूरा उसका आधा हो जाएगा नहीं, और ओरिजिन से पास कर जो वाई इंटरसेप्ट 0 है, सी 0 है, तो इससे रिलेटेड कुछ नोट्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ समझो। If c is equal to 0, then line passing through the origin. अगर किसी line में c 0 होगा तो वो line हमेशा origin से pass करते हैं, that is क्या हो जाएगा, y is equal to mx। ऐसे देखो इसका यूज भी हुआ है थर्ड क्वेश्चन, ओरिजिन से पास करता हुआ कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है ये होगा, एंगल थीटा है और यहां भी एम मतलब 10 थीटा ही होगा, ये तो फिक्स है हर लाइन में होगा, ठीक है, बट सी 0 है। सेकंड नंबर, इफ एम इज इक्वल टू 0 तब होगा लाइन पैरेलल टू
द एक्स एक्सिस, अगर एम जीरो हो जाएगा तो लाइन जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, इसको बताते हैं। दैट इज लाइन y इज इक्वल टू k होगा, जहां पर k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इस एग्जांपल मान लो y इज इक्वल टू 3 बनाना है, ओरिजिन मतलब x का पैरेलल लाइन होगा ये, और ये 0 3 से पास कर रहा है। मान लो y इज इक्वल टू -1 से पास कर रहा है, ठीक है। ये सब एक्सिस है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। इफ एम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, दैट इज जो लाइन होगा वो एक्स इक्वल टू के या एच, यहाँ पे एच या के कोई कांस्टेंट होता है, यहाँ पे एच बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। इसे देखो, मान लो x इक्वल टू 2 का इक्वेशन बनाना है, वन टू, टू से पास करेगा और y एक्सिस का पैरेलल होगा, दिस इज x इक्वल टू 2, यहां भी ये x y एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर, तब ना x का पैरेलल होगा। हाँ हाँ, लाइन तो नीचे वाला है, ये तो एक्सिस है। ठीक है, टू से पास कर रहा है। अगर हमको लिखना है x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ना ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तो स्लोप मतलब क्या होता है टेन थीटा, टेन 90 डिग्री क्या होता है अनडिफाइंड, वही लिखा हुआ x इक्वल टू -1, -1 0, यही x इक्वल टू -1। एक्स वाई, चलते हैं आगे। तो ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन था जिसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और अब हम आगे सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और हम बताए थे कि कोई भी लाइन बनाने के लिए दो कंडीशन चाहिए, यहां पर दो कंडीशन क्या है, पॉइंट और स्लोप, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 विथ स्लोप m, ठीक है। यहाँ पर भी m मतलब स्लोप ऑफ लाइन, मतलब टेन थीटा, सब कुछ वही है, बस एक एक्स्ट्रा बात आ गया कि पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा। बताते हैं फिगर में कैसे हो रहा है।
एंगल अभी भी ये थीटा है, यहाँ वाई इंटरसेप्ट का काम नहीं है, एम मतलब टेन थीटा यहाँ पर भी है और थीटा हमेशा इधर ही से एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो इक्वेशन मेन जो इक्वेशन लाए थे पहला वाला, वो डेफिनेशन से आया था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बाकी का सारा इक्वेशन उससे हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं देखो, इसको हिंट कर रहे हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसको पास करवा दो पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन। तो कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास करता है तो वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है उसको। सेटिस्फाई करना मतलब x के जगह पर x1, y के जगह y1 रिप्लेस करोगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। y1 वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स वन प्लस सी, इसको सेकेंड मान फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, y माइनस वाई वन इजकल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, सी कैंसिल हो गया। और ये तो था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब यहां बताते हैं दोनों का क्या इंपोर्टेंस। मान लो कि स्लोप फिक्स है, मतलब एंगल फिक्स है, और पॉइंट फिक्स नहीं है, तो इस फिक्स एंगल पर तो खैर बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, सबका एंगल फिक्स है, ये तो तुम लोग ऐसे भी जानते हो। अगर हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट को फिक्स कर देते हैं ए, और एंगल अलग अलग थे, इस पॉइंट से बहुत सारा लाइन अलग अलग एंगल का पास कर रहा है, देख रहे हो ना, सबका स्लोप अलग अलग है, बट सबका पॉइंट क्या है, एक्स वन वाई वन नहीं है, इसलिए दोनों का फिक्स होना जरूरी है, तब एक यूनिक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। दोनों का इंपोर्टेंस है, इसलिए अच्छा से इसको समझना। और सारा का सारा फार्मूला जो है ना, वो सब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर ही डिपेंड है, मेन इक्वेशन वही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो इस पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस टू कॉमा थ्री एंड मेड एंगल विथ एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री। देखो कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन में जो x1 y1 होना चाहिए था वो दिया हुआ है क्या चाहिए, माइनस टू कमा थ्री, और m मतलब क्या होता है tan थीटा, और थीटा है 60 डिग्री, तो tan 60 क्या हो जाएगा रूट थ्री। और जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y माइनस वाई वन इजकल टू एम इन टू क्या होता है x माइनस एक्स वन। अब यहां पर देखो y माइनस वाई वन कितना है थ्री, m रूट थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स प्लस टू हो जाएगा, और यही तो रिजल्ट है। कैलकुलेट करना चाहोगे रूट थ्री एक्स माइनस वाई और प्लस टू रूट थ्री प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है।
फिगर बनाना चाहो, फिगर का नीड नहीं है, बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो 2 माइनस 3 है, 1 2 -2 3 है, सॉरी 1 -2 1 2 3, मतलब यहाँ पे पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है, इसे लाइन पास कर रहा है और साथ साथ एंगल 60 बना रहा है। कितना बना रहा है एंगल? 60, तो कुछ ऐसा होगा, ये एंगल 60 है और ये पॉइंट है -2, 3, इसे पास कर रहा है। अब ये कहाँ कट कर रहा है ये सब, उस हम लोग इसे जीरो करके ला सकते हैं। एक्स जीरो करेंगे तो वाई का वैल्यू 2√3 + 3 देगा, ये होगा 2√3 + 3, थोड़ा और ऊपर कट करते हैं। और वाई जीरो करेंगे तो एक्स निकाल देंगे। खैर चलो, ये सब इशू तुम समझो, आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट्स बता रहे हैं आप, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन पैरेलल टू द y-axis। इसी में दोनों बनाते हैं, अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, फिर नोट। चलो पैरेलल टू द वाई एक्सिस, अब लिख ही दिए हैं तो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, x = h यानी x = x1 हो जाएगा। नोट सेकेंड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द x-axis। y = y1 फिगर दोनों का बनाते हैं हम साथ में। देखो ये पॉइंट है जिसे कि पास कर रहा है x1, y1, तो इसी लाइन का नाम है x = x1। ये y का पैरेलल है जो पहला वाला है, और अगर x का पैरेलल होगा तो इस लाइन का नाम होगा y = y1। ठीक है, बताते हैं कैसे होगा, इसका एग्जांपल समझते हैं। ये तो नीचे वाला तुम जानते हो कि एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस। देखो बेटा कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 एंड पैरेलल टू, पहला क्वेश्चन
द एक्स एक्सिस, दूसरा क्वेश्चन द वाई एक्सिस। तो सॉल्व करते हैं ऐसे, तो जो हम लोग रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वाई इज इक्वल टू वाई वन, मतलब वाई इज इक्वल टू कितना, वाई वन क्या है माइनस टू, ये आंसर हो जाएगा। और अगर तुम ग्राफ बनाओगे वाई इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस वन माइनस टू, यही वाई इक्वल टू माइनस टू लाइन एक्स का पैरेलल है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज हम इसके बिना भी बना सकते हैं। देखो कैसे, एक्स के पैरेलल कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है जीरो, देखो सेकेंड मेथड डालते हैं, यहां पर m होगा जीरो और x1 y1 तो खैर पहले से ही पता है थ्री माइनस टू, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, y माइनस y1 कितना टू, तो y प्लस टू इज इक्वल टू m जीरो इंटू एक्स माइनस थ्री, सारा सिस्टम जीरो हो गया तो क्या आ गया y इज इक्वल टू माइनस टू आंसर आ गया, और ये आया था देखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में आंसर तो सीधे आ जाएगा भाई, x इज इक्वल टू एक्स वन, मतलब x इक्वल टू कितना थ्री, और तुम फिगर भी बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, थ्री से पास कर रहा है मतलब एक्स इक्वल टू थ्री ये लाइन है, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। लेकिन इसको भी हम प्रोसेस से एम वाला मेथड से निकाल रहे हैं। अब देखो बेटा, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो स्लोप कितना होगा अनडिफाइंड इन्फिनिटी, नहीं तो उस मेथड से देखते हैं ट्राई करके कैसे होता है। देखो यहां पर m होगा इंफिनिटी और x1 कोमा वाई वन तो पता ही है भाई, वो तो तुमको थ्री कोमा माइनस टू वही है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई प्लस टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस थ्री। अब इसे डिवाइड कर लो, y प्लस टू बाय इन्फिनिटी, और किसी क्वांटिटी में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो हो जाता है, ये तो पता होगा, यानी ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, इसीलिए x इक्वल टू क्या आ गया थ्री, और ये तो आया था उधर भी, उससे क्या होगा फास्ट मेथड हो गया वो, मैंने डायरेक्ट फार्मूला अगर याद रहेगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही खासियत है, जितना ज़्यादा तुमको फार्मूला याद रहेगा, डेराइव्ड फार्मूला याद रहेगा, उतना ज़्यादा ईजी बनता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिमाग बहुत अधिक नहीं लगाना पड़ता है, बस फार्मूला को सही से संभाल के रखना, याद करना, इसी कारण से ये स्कोरिंग टॉपिक होता है। IIT का भी 100% क्वेश्चन आपको बन सकता है अच्छा से मेहनत करोगे तो यहाँ से, ठीक है। तो ये हम दूसरा ही क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हम अगला ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, थर्ड वाला, टू पॉइंट्स फॉर्म। टू पॉइंट्स फॉर्म में क्या होता है देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
पासिंग थ्रू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू इज टू पॉइंट. यहाँ पे दो पॉइंट ऑलरेडी प्लेन पर दिया हुआ है, तो एक यूनिक लाइन ही पास करेगा वहां से, ठीक है. इसलिए इसमें अधिक मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा. किसी एक पॉइंट को टारगेट करो, y माइनस वाई वन, और तुमको स्लोप बताए थे पॉइंट चैप्टर में भी कैसे निकालते हैं दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का. तो जो तुम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़े थे जस्ट पिछला दो नंबर का, उसमें स्लोप का वैल्यू रिप्लेस कर दो. स्लोप क्या होगा बताओ, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, या वाई वन माइनस वाई टू भी कर सकते हैं, इंटू एक्स माइनस एक्स वन. या सेकेंड पॉइंट को भी ले सकते थे, मान लीजिए इसी पॉइंट को टारगेट करते हैं, वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू. दोनों का आंसर सेम देगा, बना के देखेंगे हम. एक और मेथड से लिख सकते हो यार, अगर दो पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब तीन पॉइंट जो होगा, दो गिवन पॉइंट और एक वेरिएबल पॉइंट, वो कोलिनियर होगा. इस मेथड से भी कभी कभी जो है ना लिखा रहता है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स एक्स वन एक्स टू, वाई वाई वन वाई टू, वन वन वन. ये फार्मूला तुम लोगों को जाना पहचाना लग रहा होगा, जहाँ पे हम बताए थे कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी. ये भी स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है टू पॉइंट फॉर्म में, ठीक है. तो हम इसका फिगर बना के देखते हैं कैसे हो रहा है. दो फिक्स्ड पॉइंट है, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू. इसे एक यूनिक लाइन ऑलरेडी पास करता है. यहाँ पर एम मतलब स्लोप, मतलब टेन थीटा तो होगा ही, और यहाँ पर ऐसे निकालते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू. दिस इज स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है. नोट करो, तो ये तीन तरह से हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, तीनों से आंसर सेम देगा, है ना. ये तुम पहले भी पढ़े थे, स्लोप निकालने का मेथड था, दो पॉइंट से पास करने वाला किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता था, ठीक है. कैसे होता था देखो, हम उस टाइम बताए थे, थोड़ा रफ करके समझा देते हैं. जैसे कोई जा रहा है पॉइंट एक्स वन बाय वन एक्स टू बाय टू, देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और यही है तुम्हारा एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये है वाई टू माइनस वाई वन. तो यहाँ से निकल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, वही तो लिखे थे, ठीक है. तो सवाल ये है कि ये जो इक्वेशन आया था वो कहाँ से आया है, और वो कैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग समझते हैं. वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज एम एक्स प्लस सी, और इसको पास करवा दो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एक्स वन बाय वन एंड एक्स टू बाय टू. तो कोई भी लाइन पॉइंट से पास करता है तो सेटिस्फाई करता है उसको, मतलब क्या हो जाएगा, वाई वन इजकल टू एम एक्स वन प्लस सी, इसको वन मान लो, वाई टू इजकल टू एम एक्स टू प्लस सी फ्रॉम
फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो वाई वन माइनस वाई टू एम इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, और यहां से m रिमूव कर लो, y1 वन माइनस वाई टू अपॉन, देखो ये था m का वैल्यू ये वाला, इसी में माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अब ये जो m का वैल्यू है, तुम पीछे पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, मान लो कि एक ही पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन, और अगर स्लोप मालूम रहेगा तो क्या लिखोगे, y माइनस वाई वन बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और स्लोप का वैल्यू रिप्लेस कर दोगे ये वाला, तो आ जाएगा हमारा पॉइंट, मैंने जो फॉर्मूला था अभी टू पॉइंट फॉर्म, या हम इसी को पॉइंट मान लेते हैं और स्लोप तो निकल चुका है, तो y माइनस वाई टू बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स टू, इसलिए दूसरा फॉर्मूला लेके दोनों का, दोनों से निकालोगे तो ये सेम लाइन बनेगा, मतलब इक्वेशन दोनों का सेम आएगा, ठीक। अभी एग्जाम्पल लेके भी देख लेंगे। और ये मेथड कौन सा है, तो देखो जैसे कि इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट ले लो एक्स वाई, और कोई पॉइंट वैरी करेगा तभी ना लोकस बनेगा, लोकस मतलब क्या होता है, पॉइंट एक वैरी करना चाहिए, उसके जो पाथ होता है वो लोकस होता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन पर है, कोलिनियर कंडीशन लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा, ये सारा सेम है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट कर देते हैं, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ m इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन बराबर स्लोप, स्लोप ये रख दो, y1 वन माइनस वाई टू बाई इंटू एक्स माइनस एक्स, या हम पॉइंट x माइनस एक्स वन, या हम पॉइंट सेकेंड पॉइंट लेंगे x1 x2 y2, तब यहां लिखेंगे y माइनस वाई टू बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स टू, यानी जो पॉइंट लेंगे उसका दोनों कोऑर्डिनेट यूज करना, यानी कि एक ठो का y कोऑर्डिनेट एक ठो का, अभी गलत किए थे हम, नहीं इसे इसका y1 वन लिखे थे या x2, तो गलत है, इसका y1 वन तो इसका भी x1, यहाँ y2 तो इसका भी x2 लिखेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करते हैं इस पर, एक दो थोड़ा नोट बता देते हैं उसको, एग्जाम्पल करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एक्स वन बाय वन एंड एक्स टू बाय वन, तो यहां पर कुछ सिमिलैरिटी है, एक्स कोऑर्डिनेट तो डिफरेंट है बट वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो y कोऑर्डिनेट सेम तभी हो सकता है जब वो x एक्सिस का पैरेलल होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस, तो दोनों पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, सेम, तो यानी जो लाइन है वो x एक्सिस का क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो x के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू cos tan, y इज इक्वल टू y1 हो जाएगा यहाँ। देखो x एक्सिस और ये y एक्सिस, x1 y1, x2 y1, यहां से ये डिस्टेंस दोनों का बराबर है, इसीलिए
इस लाइन का इक्वेशन जो होगा वाई इक्वल टू वाई वन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स वन वाई टू, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स वन, क्योंकि इसमें क्या है दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और कोई भी लाइन वाई एक्सिस से अगर बराबर डिस्टेंस पे मूव करेगा तो मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तभी यह संभव है, और वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन क्या होता है एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज एक्स इक्वल टू एक्स वन। अब इसका समझाते हैं फिगर बनाकर, देखो ये y एक्सिस का पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो यही इक्वेशन है तुम्हारा x इक्वल टू एक्स वन, यहाँ जो दो पॉइंट है a x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट है b x1 कॉमा y2, ठीक है। x इक्वल टू एक्स वन, y एक्सिस से डिस्टेंस ये भी x1 है और ये भी x1 है, इसीलिए y एक्सिस का पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा बोला, ठीक है। तो इस पर कुछ एग्जांपल करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स माइनस टू थ्री एंड वन फाइव, थ्री फाइव एंड थ्री माइनस टू, फाइव माइनस वन एंड माइनस टू माइनस वन, देखो पहला क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं वाई माइनस वाई वन बराबर वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो फर्स्ट पॉइंट को एक्स वन वाई वन ले लेते हैं, तो क्या होगा देखो वाई माइनस थ्री बराबर वाई वन कितना है थ्री माइनस फाइव बाई माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, मतलब वाई माइनस थ्री ये कितना हो गया माइनस टू अपॉन माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, वाई माइनस थ्री इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू एक्स प्लस टू, और यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेते हैं, इंप्लाइज दैट थ्री वाई माइनस नाइन इजकल टू टू एक्स प्लस फोर,
टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 13 इक्वल टू जीरो, ये इसका आंसर हो गया। तुम सेकेंड पॉइंट को भी ले सकते थे, देखो सेकेंड मेथड y माइनस वाई टू बराबर स्लोप सेम ही रखते हैं, y1 माइनस वाई टू या y2 माइनस वाई वन ले सकते हो, जो चीज़ लेंगे ऊपर नीचे दोनों लेंगे, ठीक है, बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x2। तो y माइनस वाई टू मतलब y माइनस फाइव बराबर y1 माइनस वाई टू मतलब माइनस टू बाय माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, ये टू बाय थ्री हो गया, माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, तो कितना आ गया थ्री वाई माइनस फिफ्टीन टू एक्स माइनस टू। कैलकुलेट करोगे तो कितना दे दिया, टू एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस थर्टीन इजकल टू जीरो आंसर। ये तो क्वेश्चन है, शुरू होने देते हैं, इसको बनाएंगे, एक और मेथड से बनाते हैं। क्या था डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, एक्स वन एक्स टू वाई वाई वन वाई टू वन 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 इज इक्वल टू जीरो, एक्स तो एक्स ही है। अब जो पॉइंट था हमारा एक्स वन वाई वन वो क्या था, यहां पे प्लेस कर देना, मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ था, अगर हम पॉइंट लेते हैं दूसरा पॉइंट तो मालूम है, चलो ये वन फाइव है, ठीक है, पहला पॉइंट जो था वो मेरे हिसाब से माइनस थ्री टू था, फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस टू फाइव माइनस टू ये पॉइंट था ना, टू माइनस फाइव माइनस थ्री थ्री था और ये माइनस टू था मेरे हिसाब से, चलो ठीक है। तब देखो ये थ्री माइनस फाइव माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर माइनस थ्री, सही, चलो इसमें पुट कर लो भाई, एक्स वाई वन, एक्स वन तुम लोगे इसको, ठीक है, किसी को ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस भी आ गया तो जीरो है ना इधर, माइनस टू थ्री वन और ये क्या है वन फाइव वन, कैलकुलेट कर लो। चलो ये हो गया x इंटू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, थ्री माइनस फाइव माइनस टू माइनस वाई इंटू ये और ये खत्म, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री प्लस वन इंटू माइनस टेन माइनस थ्री माइनस थर्टीन। कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा हो रहा है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो, दोनों साइड में माइनस से गुना कर दो, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थर्टीन इजकल टू जीरो, और ये इक्वेशन था हमारा। तो किसी भी मेथड से बनाओगे आंसर सेम आता है, ठीक है, बस प्रैक्टिस कर लेना सही से। अब हम बाकी का दो क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें देख रहे हैं कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम, मतलब एक्स इक्वल टू एक्स वन हो जाएगा आंसर, अगर फर्स्ट में तो बनाया था, दैट इज एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री, ये आंसर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बट इसको प्रोसेस से भी हम चाहे तो बना सकते हैं। इसका तो स्लोप निकालोगे तो निकलेगा फाइव माइनस माइनस टू बाय थ्री माइनस थ्री, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन करते हैं, तो y माइनस फाइव इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस थ्री, अब इससे डिवाइड करो इधर y माइनस फाइव बाई इन्फिनिटी बराबर एक्स माइनस थ्री, तो जीरो हो जाएगा,
जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया थ्री, इससे भी ला सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है अगर फॉर्मूला हम लोग को याद रहेगा, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वाई इज इक्वल टू वाई वन, मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस वन, यही इसका आंसर होगा। अगर इसको हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं तो इसका स्लोप हो रहा है माइनस वन प्लस वन बाय फाइव प्लस टू, दैट इज जीरो। ठीक है, तो y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन यूज करते हैं, तो y प्लस वन बराबर जीरो इंटू एक्स माइनस फाइव, ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब क्या हो गया y इज इक्वल टू माइनस वन। तो जैसे भी बनाओगे सब सही है, बट अगर हम जो नोट्स बताते जाते हैं वो तुम्हारा क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर बनाओगे तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म था जिसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम ये तीन इक्वेशन को ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद का और इक्वेशन देखेंगे। ऐसे सात प्रकार का इक्वेशन है टोटल और काफ़ी डिटेल में हम इसका स्टडी करेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, फिर बहुत सारा प्रॉपर्टीज और उसका फॉर्मूलाज आएगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करना, नोट कम्प्लीट करना। हम चाहते हैं वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा छोटा रहे ताकि ज़्यादा बोरिंग नहीं लगे, और आप लोग जो वीडियो है एक साथ पूरा वीडियो देख करके नोट कंप्लीट करना और उसको रिवाइज करना सही से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का फॉर्मूला लेकर के, ठीक है, थैंक यू।